नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टेनिस एल्बो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें हमारी कोहनी और कलाई में अधिक दबाव बनने या हिलने के कारण कोहनी में मौजूद टेंडन में दर्द होने लगता है। जिन लोगों का कोहनी या कलाई से अधिक काम होता है वह लोग इस टेनिस एल्बो की समस्या से ग्रसित होते हैं। दोस्तों टेनिस एल्बो के कारण होने वाला दर्द हमारी कोहनी या कलाई के बाहर से अंदर की तरफ होता है और यह कोहनी बाजू के ऊपर की तरफ भी फैल सकता है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण मसल्स टेंडन को जोड़ने वाली हड्डी की जगह पर लगातार खिंचाव का होना टेनिस एल्बो की समस्या के होने का कारण होता है। इसके अतिरिक्त कोई चोट लगने के कारण, मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी के कारण या शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों आप योगासनों के नियमित प्रैक्टिस करने से इस टेनिस एल्बो की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं। इन अभ्यासों को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, ऐसे अपने हाथों को जितना पीछे आप ला सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इसे 10 से 15 बार प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे अपनी कलाइयों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे 5 टाइम्स घुमाने के बाद आपने विपरीत दिशा में ऐसे अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर इसके बाद ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में श्वास अंदर भरते हुए हाथों को कंधों पर रखें और श्वास छोड़ते हुए सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे की तरफ जितना पीछे आप कर सकते हैं ऐसे पीछे करने की कोशिश करें। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों टेनिस एल्बो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें हमारी कलाई और बाजू पर अधिक दबाव बनने या हिलने के कारण कोहनी में मौजूद टेंडन में दर्द होने लगता है। ऐसे इन अभ्यासों को करने से आप टेनिस एल्बो की समस्या को दूर कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को जितना पीछे आप ले जा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपनी कंधों को 5 टाइम्स गोलाकार घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में दोस्तों टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे गोमुखासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। आपके घुटने के ऊपर घुटना रहे और जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है।
और यह टेनिस एल्बो के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। अब आप अपने लेफ्ट पैर राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऐसे मोड़कर ऐसे अपने राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और आपके घुटने के ऊपर घुटना रहे और जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए और अपने दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद दोस्तों टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए आप प्लैंक अभ्यास को भी बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे बाजू काफी स्ट्रांग बनते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधों हमारे बाजुओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही बजासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आपने आना है या फिर अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस भी रख सकते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। और फिर इसके बाद ऐसे आपने साइड प्लैंक की पोजीशन पर आना है, अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजे पर और अपनी हथेली पर ऐसे रखना है और अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने सीधे इसके बाद साइड प्लैंक की पोजीशन पर आइए। ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लीजिए और 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।